नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बेस्ट गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड ही चीज़ों को बताऊँगा कि कौन सा बुक्स आपको परचेज करना है। और अगर ये बुक आपके पास है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हो ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन आप अपने नियरेस्ट मार्केट में जाएंगे जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बुक मिलती है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आपको परचेज करना है तो अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर ईजिली आपको मिल जाएगा। और अभी तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो फिर आप लोग अगर तैयारी करने के मूड में हैं तो बिल्कुल बुक्स परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें पैटर्न समझना होता है कि उस एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, पैटर्न क्या है और कौन सा लेवल है एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। क्योंकि आप लोग, मैं बुक सजेस्ट करूँगा, अभी वो बुक मार्केट में आया नहीं है और दिसंबर जनवरी में वो बुक्स आ जाएगा जिसमें प्रीवियस ईयर कलेक्शन रहेगा। अभी जो आप बुक्स आपको मिलेगा वो 2022 का रहेगा, 2022 के लिए रहेगा। तो अभी हम लोग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें 2022 का भी जो टेस्ट हुआ है वो कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो लेकिन वो बुक्स से पहले आपके पास ये चार बुक्स होना चाहिए, ठीक है। और प्रिपरेशन करने से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैं तो सॉल्व करवाऊंगा आपको, बट आपके पास वो बुक्स होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो बाकी मैं आपको प्रिपरेशन में टेस्ट मैं आपको दिलवाऊँगा और नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। जो भी क्लासेस रहेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन वो भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको दो पेपर होगा, पेपर वन और पेपर टू, ठीक है। पेपर वन में आपके दो सब्जेक्ट रहेगा, एक सामान्य ज्ञान जिसे जीके बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज में आपका हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में आपके 50 क्वेश्चन आता है, क्लियर है, और भाषा में आपके 50 क्वेश्चन इधर भी आएगा, ओके। एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का रहेगा, तो ये हो जाएगा 100 नंबर का 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन 100 नंबर का भाषा का। भाषा में या तो आप हिंदी लीजिए, अब लैंग्वेज का मतलब यह है कि ग्रामर आएगा, तो हिंदी ग्रामर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए या फिर इंग्लिश ग्रामर पे, ठीक है। तो उसमें से कोई एक भी आपको चुन लेना है। और 200 नंबर का पेपर होगा पहला पेपर, 3 घंटे का समय रहेगा, टाइम बहुत इनफ होता है यूपी बीएड में, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे के गैप के बाद दूसरा पेपर आपको देना होगा जिसमें आपको रीजनिंग आएगा, अभी क्षमता परीक्षण बोलते हैं, रीजनिंग बोले। उसके बाद विषय योग्यता में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, किसी से भी संबंधित आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो वही के 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इधर भी 50 क्वेश्चन, इधर भी 50 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का ये भी क्वेश्चन टोटल, ये भी 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इट मीन्स कि 400 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन होगा, ठीक है। बेसिक सा आपका प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है, समझ लीजिए। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, पिछले 2 सालों से नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था। जैसे कि बिहार में बात करें तो बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो बिहार में आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा, क्लियर है। बुक्स की बात करें तो बुक्स में सबसे पहले जीके के लिए सबसे अच्छी बुक्स लूशन टी है, ठीक है, और बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा, 150 रुपये में, 120 रुपये में, 130 रुपये में इजिली मिल जाता है आपको, ठीक है। तो ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आकर परचेस कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए आरके झा की बुक है, ठीक है, ये सफिशिएंट बुक है। बट फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई बुक्स है रीजनिंग के लिए तो मत परचेज कीजिए, ठीक है। जीएस के लिए कोई भी बुक्स है तो मत परचेज कीजिए, इसमें से कोई भी बुक आपके पास है तो पुरानी बुक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। हिंदी के लिए, समान हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक्स परचेज करना होगा, वन ऑफ द बेस्ट बुक है हिंदी के लिए, ठीक है। इससे आपकी हिंदी ग्रामर जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी इस बुक से आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आगे चल के बीएड करने के बाद आप सीटेट देंगे या यूपीटेट देंगे, तो उसके लिए भी ये एक बार बुक ले लेंगे तो पर्याप्त रहेगा, ठीक है। और भी कोई वैकेंसी आप देख रहे हैं, लेखपाल का देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एलिजिबल रहोगे, हिंदी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो नीतू मैम का ये केडिक पब्लिकेशन की बुक्स आती है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ग्रामर यहाँ से टू द पॉइंट रहेगा और ग्रामर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश से देना है तो, ठीक है। तो ये सारे बुक्स थे, चार बुक्स ये अभी परचेज कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो न्यू एडिशन वाला आया नहीं है, तो इसलिए उसको अभी रिकमेंडेशन नहीं है, उसको हम लोग दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा तो हम लोग परचेज करेंगे, ठीक है, क्लियर डियर। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं आपके 2023 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट का रिप्लाई देते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, नो डाउट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट में कि कब से स्टार्ट होगा, क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है कि काउंसलिंग चल रहा है 2022 का, तो काउंसलिंग में थोड़ा सा अपडेट देना पड़ रहा है, तो टाइम कम मिलता है। और हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर से हम लोगों को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 2023 का।
बुक्स परचेज कीजिए, क्योंकि उसके पहले आप बुक्स परचेज कर लेंगे तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, और जीएस आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, थोड़ा जीएस की अपनी तैयारी हो जाएगी आपकी, उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।